स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का गणित शिक्षण, जिसके अंतर्गत पांचवी यूनिट मूल्यांकन। मूल्यांकन तो सबसे पहले मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन दो शब्दों से बना है, मूल्य धन अंकन। मूल्य धन अंकन, मूल्य तो गुणात्मक है और अंकन मात्रात्मक है। तो जो मूल्यांकन है वो दो शब्दों से बना है, मूल्य धन अंकन। मूल्य तो गुणात्मक है और अंकन मात्रात्मक है। तो मूल्यांकन क्या है? किए गए कार्य की जांच करना मूल्यांकन है। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है, करवाने के पश्चात अपने शिक्षण की जांच करता है, मतलब टेस्ट लेता है, वो मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्यों करता है? शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन इसलिए करता है ताकि बच्चों ने कितना सीखा। सिर्फ इसमें ये जांच करना नहीं होता कि बच्चे कहाँ तक सफल है, बल्कि एक शिक्षक अपने शिक्षण की स्वयं भी जांच करता है कि उसके द्वारा करवाया गया शिक्षण कहाँ तक सफल है, कहाँ तक प्रभावी है। अगर मूल्यांकन सही नहीं होता तो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को चेंज करता है। जैसे माना एग्जाम्पल, एक शिक्षक है, वो शिक्षण करवाता है, शिक्षण करवाने के पश्चात उसने क्लास टेस्ट ले लिया। जैसे ये एक टीचर है, शिक्षक है, उसने शिक्षण करवा लिया, टीचिंग करवा ली, टीचिंग करवाने के पश्चात उसने क्लास टेस्ट लिया, ठीक है, क्लास टेस्ट लिया। क्लास टेस्ट लेने में टोटल क्लास में 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से 70% बच्चों ने तो अच्छी तैयारी की और सब बच्चों के 10 में से 10 नंबर आ गए। बाकी जो 30% बच्चे थे उनके किसी के 9, 8, 7 ऐसे नंबर आ गए। तो उस शिक्षक ने इस मूल्यांकन, इस क्लास टेस्ट के दौरान यह जांच कर ली कि उसकी शिक्षण विधि है, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो राइट है, क्योंकि उसके द्वारा करवाया गया शिक्षण 70% बच्चों को समझ में आ रहा है, मतलब उसका शिक्षण प्रभावी है। लेकिन अगर एक शिक्षक शिक्षण करवाता है और उसके द्वारा करवाए गए शिक्षण में से 100 में से ओनली 10% बच्चों के 10 में से 10 आते हैं और 90% बच्चों के मार्क्स नहीं आते, इट मीन्स उसके द्वारा कराए गए शिक्षण में कहीं ना कहीं कमी है। इस क्लास टेस्ट का जो मूल्यांकन किया था उसी के आधार पर शिक्षक है वो अपने शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाता है या शिक्षण व्यवस्था में चेंज लाता है ताकि बच्चों को प्रभावी रूप से और शिक्षण समझ में आ सके। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन का अर्थ है करवाए गए कार्य की जांच करना या किए गए कार्य की जांच करना। मूल्यांकन दो शब्दों से बना है, मूल्य धन अंकन। मूल्य तो गुणात्मक स्वरूप है और अंकन मात्रात्मक है। ये तो हो गया मूल्यांकन। अब आता है कि मूल्यांकन होता कितने प्रकार का है। तो मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार, तो मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। एक तो होता है सतत मूल्यांकन, एंड सेकेंड व्यापक मूल्यांकन। एक तो होता है सतत मूल्यांकन और सेकेंड व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन क्या है? इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन को CCE भी कहा जाता है। CCE सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सतत मतलब निरंतर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब यह मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। जैसे आज एक कक्षा में एक अध्यापक शिक्षण करवाने आता है, शिक्षण करवाने के पश्चात वो दूसरे दिन उसी करवाए गए शिक्षण का टेस्ट लेता है। जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, ओरल एग्जाम हो गया, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, ये सारे सतत मूल्यांकन है, मतलब किए गए करवाए गए शिक्षण
रिसर्च करना। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करता है। सह शैक्षिक इसमें गतिविधि आती है, तो सह शैक्षिक गतिविधियां कौन सी होती है? सह शैक्षिक गतिविधियां, सह शैक्षिक गतिविधियां वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत शिक्षण के अलावा जितने भी कल्चर एक्टिविटीज होते हैं, अदर प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे सह शैक्षिक के अंतर्गत आते हैं। तो जब एक शिक्षक शिक्षण के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करता है, वह व्यापक मूल्यांकन है और सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रचलन हुआ था, जिसके अंतर्गत पांचवी बोर्ड व आठवीं बोर्ड को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके आधार पर एक इनको ग्रेड सिस्टम प्रणाली में लागू किया गया। ये है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करना, अवलोकन करना व्यापक मूल्यांकन है। इसके अलावा अब आता है मूल्यांकन का महत्व। कि मूल्यांकन, हमने मूल्यांकन का अर्थ पढ़ लिया, मूल्यांकन के प्रकार पढ़ लिए, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब पढ़ेंगे हम मूल्यांकन की विशेषता है, कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषता है। मूल्यांकन की विशेषता है, तो फर्स्ट ऑफ मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहली विशेषता हो गई निरंतर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड, मूल्यांकन व्यापक है, मूल्यांकन व्यापक है। थर्ड, मूल्यांकन गुणात्मक स्वरूप है। फोर्थ, मूल्यांकन किए गए कार्य की जांच है। मूल्यांकन किए गए कार्य की जांच है। तो मूल्यांकन की विशेषता है, फर्स्ट ऑफ मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। सेकंड, मूल्यांकन व्यापक है, मतलब जैसे आज कुछ जो एक शिक्षक ने शिक्षण कराया उसका मूल्यांकन कर लिया, कल कुछ और पढ़ाया उसका वापस मूल्यांकन कर लिया। तो मूल्यांकन व्यापक है जो हमेशा चलता ही रहता है। मूल्यांकन गुणात्मक स्वरूप है, मूल्यांकन होता है उसका स्वरूप गुणात्मक होता है। जैसे एक अध्यापक ने शिक्षण, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि एक अध्यापक होता है, उसने शिक्षण करवा लिया, शिक्षण करवाने के पश्चात उसने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के पश्चात उसको पता चला कि जो बच्चे हैं उनको कितना समझ में आया है अथवा कितना नहीं, अर्थात उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति किस लेवल पर की है, अर्थात अपने शिक्षण में वह चेंजेस ला सकता है, इसलिए यह गुणात्मक स्वरूप है। थर्ड, मूल्यांकन किए गए कार्य की जांच है। जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा कार्य करता है, कार्य करने के पश्चात उसकी जांच करता है, वो मूल्यांकन है। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन की ये विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं भी हम पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, मूल्यांकन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑफ, मूल्यांकन प्रशासनिक सेवा के लिए आवश्यक है, प्रशासनिक सेवा। सेकंड,
मूल्यांकन अभिभावकों के लिए आवश्यक है, अभिभावकों के लिए। जैसे एक स्टूडेंट है, वह स्कूल में पढ़ने आता है, तो वह तो सिर्फ पढ़ने आता है, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है उसके अभिभावकों की होती है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जब बच्चा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पहले दिन से लगाकर अंतिम दिन तक जो चीजें पढ़ता है, जो चीजें सीखता है, उसका एंड में मूल्यांकन होता है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उसके अभिभावकों को यह ज्ञान होता है कि उसका उनका जो बालक है, उनका जो बच्चा है, उसने किस लेवल तक सीखा, उसमें ज्ञान की कितनी वृद्धि हुई है अथवा कितनी नहीं, इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है। थर्ड, मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन होता है वो स्वयं बालक के लिए भी आवश्यक है कि बालक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है अथवा उसने कितना सीखा। मूल्यांकन अध्यापक के लिए भी आवश्यक है, अध्यापक। मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थी के लिए ही वरन अध्यापक के लिए भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षण करवाते समय कर्ता धर्ता अध्यापक होता है, ताकि अध्यापक यह जांच कर सकता है कि उसके द्वारा करवाया गया शिक्षण कहाँ तक सफल हुआ है, मतलब उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक प्राप्त की है। इसके लिए मूल्यांकन होता है वो अध्यापक के लिए भी आवश्यक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यही खत्म होती है। यही मूल्यांकन का टॉपिक, यह टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर की जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट है, जैसे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सभी में मूल्यांकन वाली यूनिट पांचवी यूनिट है। प्लस इसके अलावा बीएड सेकेंड ईयर में भी साइंस में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में ये मूल्यांकन का टॉपिक आपको सभी जगह मिलेगा। इसलिए इसी वीडियो को देखकर बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों अपने मूल्यांकन वाले टॉपिक को